वाराणसी में पूरा परिवार खत्म हो चुका है। दरअसल फांसी पर पति और पत्नी का शव मिला है, तो बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां पर एक कमरे में दो बच्चों का शव मिला है। आदमपुर के मुकीमगंज की घटना बताई जा रही है। तो एक पूरा परिवार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि फांसी पर पति और पत्नी का लटका हुआ शव मिला और दूसरे कमरे में दो बच्चों का शव बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से मिल रही है वजह, इसके पीछे क्या रही, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या, इसको लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी खबर बता दें वाराणसी से, जहां पर चार लोगों के शव एक ही घर से बरामद हुए हैं। फांसी पर पति और पत्नी का लटका हुआ शव मिला है और वहीं दूसरे कमरे में दो बच्चों के शव भी पुलिस को बरामद हुए हैं। तो आदमपुर के मुकीमगंज की घटना, तो फिलहाल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच में जुट गई है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें इन लोगों ने सुसाइड किया है। जो दो बच्चे थे वो बेड पर मिले, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने कोई नींद की दवा या कुछ ले ली और उसके बाद उनका गला दबा दिया गया। अभी सारी पूरे उनके परिवार वालों को बता दिया गया है, जो हैं वो मायके वाले वो आ रहे हैं, उसके बाद और लोगों से बातचीत की जा रही है और सर घटना का सही अनावरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का ही लगता है। और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी, फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, अभी प्रथम दृष्टया पुलिस का जो कहना है और वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे क्या जानकारी हासिल हो पाई है और अभी क्या कार्रवाई इस पर? देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर रही थी, बिजनेस उस कदर से नहीं चल रहा था जिस कदर से परिवार का भरण पोषण हो सके, ये भी एक बड़ा वजह थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि शादी के बाद से ही मियां बीवी में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चले, दो बच्चे थे होने के बाद भी रिश्ते वापस पटरी पे नहीं आए कि जिसकी वजह से आगे वो जीवन व्यतीत कर सके। यही वजह है कि बच्चों को नशीला पदार्थ देकर पहले बच्चों को खत्म किया गया, उसके बाद पत्नी को, और उसके बाद खुद फांसी पर लटक कर युवक ने अपनी जान दे दी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी संदिग्ध है, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आर्थिक तंगी बताई गई है कि बिजनेस ना चलने की वजह से, और दूसरा परिवार से आपसी कलेश की वजह से ये सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। लेकिन मौके पे फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, फोरेंसिक की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है, कई बड़े अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है कि वाराणसी जैसे शहर में इस तरह की घटना शहर में होनी कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े कर देते हैं कि जब एक बिजनेसमैन जो पंखे का कारोबार करता था वो इस तरीके के सुसाइड कर ले, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का सुसाइड कर ले, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता, और वो भी अपने बच्चों को मारने के बाद। जी चलिए, धन्यवाद आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए।